मोदी साहब कहते हैं कि हर घर 2020, 2022, 2023 में पक्का होगा, तो गरीब आवाम जो है उनके पास पक्का तो कहाँ होगा, उनको कच्चा भी नहीं नसीब है। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, JKUT7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम है मोहम्मद मुश्ताक, मेरे फादर नाम है मोहम्मद शफी, मैं लोधरा गांव से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर तहसील बसंतगढ़ में। तो मुश्ताक साहब आप मुझे ये बताइए कि आपको अगर मीडिया के सामने आना पड़ा, आपको परेशानी है, क्या हो गई और क्यों आपको मीडिया के सामने मजबूर होकर आ जाना पड़ा, आप मुझे तफसील में बताइए क्या परेशानी है आपकी। सर मेरी परेशानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं थोड़ी आपको बता सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जी तो ऐसा हुआ कि मेरे साथ के मेरा मकान का केस आया हुआ था। जी मैं जब अपने ग्राम सचिव के पास गया तो उसने बोला मेरे को कि मुश्ताक भाई आप 20,000 रुपया मेरे को देना पड़ेगा तो आपका केस बहाल होगा, जी अगर आप 20,000 रुपया नहीं दोगे तो केस बहाल नहीं होगा आपका। जी तो फिर मैं बहुत मजबूर हुआ, मेरे पास 20,000 रुपया नहीं था, मैं तो इतना गरीब हूँ कि हद से ज्यादा, क्योंकि मैं दिन को कमा के लाता हूँ तो शाम को परिवार को खिलाता हूँ। तो आप मुझे रोने की कोई बात नहीं मुश्ताक साहब, न्याय होगा, उधमपुर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपको सुन रही है, जी कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन वो आपकी सुन रही है, डीसी साहब कठुआ हैं और डीसी साहब उधमपुर के जो हैं वो आपको सुन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि आपका घर का, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका घर का परिवार कितने हो आप घर के? मेरे 8 बच्चे हैं, 4 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं मेरे। मैंने 2 शादी की हुई है, जी वो भी मजबूरन की हुई है। मैंने दूसरी शादी, वो मेरे भाई अख्तर हो गए थे तो उसकी 2 लड़कियां थी, जी तो छोटे छोटे बच्चे रह गए थे उसके, तो इसलिए मैंने, मेरे को मजबूरन वो दूसरी शादी करना पड़ी। तो आप मुझे ये बताइए कि वो जो ग्राम सेवक हैं जो आपको 20,000 रुपया मांग रहे हैं कि 20,000 रुपया हमें दे दो तब जाके आपका केस जो होगा, मकान जो होगा वो सैंक्शन होगा, उसका नाम आप बता सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी क्या नाम है उसका? ये ना होएगा ग्राम से करा, असलम, असलम है वो। असलम ग्राम सेवक जो है वो आपको कह रहा है कि मुझे 20,000 रुपया दे दे तब जाके नंबर आएगा, तो अगर नहीं जी देगा जी तो जी सब जी कुछ नहीं होगा। तो जी ये जी है कठुआ, ये है उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन की हालत, और यही हालत जो है ये हर जगह पे पहाड़ी एरिया के अंदर यही हालत है। तो ये वाहिद एक JKUT7 का चैनल का एक वाहिद मकसद है कि जो गरीब आवाम की जो समस्या है वो रिकॉर्डिंग करके एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जी जी आपका सर, मैं एक तो मैं अनपढ़ हूँ, जी एक तो मैं इतना गरीब हूँ घर से कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ जी अपने घर की हालत, के कैसी हालत है मेरे घर की। जी तो इन्होंने मेरे साथ ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम जो गरीबों का हक है वो गरीबों को नहीं मिल रहा है, वो खुद लेके खा रहे हैं ये। तो मैं आपने यही अब कहा कठुआ और कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन और उधमपुर की, खास करके उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन, उधमपुर की जो डीसी साहिब है और बहुत अच्छा काम कर रही है, और आप उससे यही कहना चाहते हैं कि मुझे ये जो मकान है वो मिलना चाहिए, जो ग्राम सेवक है असलम जी वो आपको 20,000 रुपया मांग रहे हैं। जी, मैं यही अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो हमारा हक है, गरीबों का हक, वो मिलना चाहिए। तो आपका JKUT7 में आपने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो समस्या है वो एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर तक पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। जब हमारे रिपोर्टर से ग्राम सेवक साहब की बात हुई तो उनका ये कहना था, आइए हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सुनाते हैं। तो आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं मुश्ताक अहमद ने, वो सच्चे सच हैं या झूठ, आप इसमें क्या कहना चाहते हो? देखिए, दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं अनाय जी। जी जी सबसे पहले ये है कि किसी के खिलाफ एलिगेशन लगाना जी जी ये बिल्कुल आसान होता है, मगर किसी के खिलाफ
वो साबित करना बहुत बड़ी बात होती है। जी अगर कानूनी तौर पर जी या सर। एक बरादराना तौर पर या हल्फिया तौर पर मुश्ताक अहमद साबित करता है, मेरा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम असलम अहमद है, GRSU में। जी रही बात कि पंचायत में मैं पिछले 10 या 12 सालों से काम कर रहा हूँ, मेरा एक जी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि सबसे पहले जो खासकर जो ये रिश्वतखोरी है, ऐसी जी चीज़ों के खिलाफ मैं बहुत ज़्यादा हूँ, और इस जी ऐसी चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोग मेरे ऊपर चिढ़ते भी हैं, क्योंकि ये जी बहुत ही मतलब है कि एक गलत चीज़ होती है, ये ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। रही बात उसके कि जी उसने जो एलिगेशन लगाया है कि उसने 20,000 रुपया रिश्वत मेरे से मांगी है, सबसे पहले मैं अभी हलफ करता हूँ, मगर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ जी कि मैं बरादराना तौर पर और लीगली तौर पर दोनों चीज़ों दोनों लेवल से अपनी दरख्वास्त रखूंगा। बरादराना तौर जी पर उसे कुरान हलफ उठवाऊंगा, और लीगली जी तौर पर वो अपना जो विटनेस वो गवाही दे, ठीक है, जी तो लीगली तौर पर भी जो कार्रवाई होगी वो भी मैं करूंगा। रही बात कि उसके जो मकान का मसला है, उसने बोला है कि मकान का इशू है, मैं याद जी दिलाना चाहता हूँ कि मकान का बिल्कुल उसके सर्वे में नाम उसका मैं उसमें था, प्रायोरिटी जी में बंदा नहीं था। रही जी बात, उसने साथ साथ में अपना जो है ट्रिपल स्टोरी मकान ऑलरेडी खड़ा कर दिया था। जी एक लीगल तौर पर जब नजर आता है कि एक बंदे का पास ऑलरेडी 3 वाला मकान जब बना हुआ है, तो क्या गवर्नमेंट उसको पैसे देगी, बेनिफिट देगी? नहीं देगी। एक मिनट आपको मैं रोकना चाहता हूँ। उसने 3 छत मंजिल और उसने मकान वो तैयार कर दिया है, पहले पहले ही, ही कर दिया उसने जी। और फिर ऊपर से वो मकान मांग रहा है, क्या उसको मकान देना ऊपर ऊपर मुनासिब है? से गवर्नमेंट से फिर उसने वो कागज पत्र जो है उसने सर्वे में वो नाम फिर उसने कैसे डलवाया, कैसे क्या नहीं, किया बात वो। सुनिए, जी जी 2011 सेंसिस शुमारी के तहत उसका मकान जो है ऑलरेडी सर्वे में आया हुआ था कि ये जी बेनिफिशियरी बीपीएल कैटेगरी में है, उससे वो बट 2011 2000 से पहले नहीं था उसका पहले मकान, फाइन, उसकी बिल्कुल वजह से सुनिए वो पहले मेरी बात फिर सुनिए, 2011 सेंसिस शुमारी के सर्वे में उसका नाम आया है, ठीक, हुआ 2014 में वो लिस्ट वेरीफाई होती है, जी जी सर और 2016 और 17 में बंदा जो है वो अपने मकान की टीन चढ़ा देता है, जी और डिपार्टमेंट को इस चीज का कोई कंसल्ट नहीं है, नहीं है मगर वो डिपार्टमेंट जब बेनिफिशियरी प्रधानमंत्री आवास योजना की का देता है, वो 18-19 के बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है। 2017 में एक आधा केस हमारे पास है, जी जी 17 में और 18-19 में जो है वो प्रोसेस हमारा शुरू होता है, स्टार्टअप होता है। जी बंदा 16-17 में जो है वो ऑलरेडी मकान बना देता है, जी जब वो मकान बना देता है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट उसको बेनिफिट नहीं दे सकती है। जब आप ऑलरेडी सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो गवर्नमेंट क्या आपको की सेवा करेगी? ये बहुत बड़ी आप मायने है। और 3 छत मंजिल उस बंदे ने बनाया है, फिर गवर्नमेंट से भी ढूंढ रहा है मकान, अब तो उसको मिलेगा ही नहीं, वो हमने जी ऑलरेडी जो है वेरीफाई किया हुआ है कि ऑलरेडी इसका मकान बना हुआ है, वो डिटेक्ट हो गया वहां से, वो हमने जी करवाया एज पर वेरीफाई, एज पर पंचायत के जो जो हमारा रेजुलेशन रिकॉर्डिंग के रूल जो है वो उसके तहत वेरीफाई वेरिफिकेशन हुई है उसकी पंचायत के जो रेजुलेशन के मुताबिक, अब तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो चाहे जो जी मर्जी। देखो गलत इलीगेशन लगाना, मैंने ये आपकी आपसे क्लियर कट बोला है कि मैंने जी दोनों तरीके से, जी फर्स्टली मैंने जो है एक उसको बरादरी तौर पर पंचायत लेवल, दो, जी तीसरा मैंने इसको लीगली तौर पर जो भी कार्रवाई होगी मुनासिब वो मैं उसके खिलाफ करूंगा, अगर मैंने कहीं गलती की होगी तो उसका भुगतान मैं करूंगा, अगर उसने एलिगेशन का भुगतान जो एलिगेशन दिया उसका भुगतान वो करेगा, बस बात खत्म जी है। यही उसका ये भी कहना है, और भी लोगों के पास वो रिश्वत लेते हैं, और भी बहुत सारे लोग उन्होंने लूट मार बहुत की है, देखिए किसी के ऊपर उनका किसी उनका यही किसी कहना है मुश्ताक मैंने अहमद मैंने का। सुनो सुनो पहले किसी के ऊपर इलीगेशन लगाना जो है मुनासिब वहां तक ही जहां तक उसका एक सबूत है या एक हल्फ। मैंने बोला आपको मैं बरादरी तौर पर उसको बोलूंगा आप हल्फ उठा दो, जो सजा बरादरी में होगी कानूनी कार्रवाई में भी रेजोल्यूशन लोग डालेंगे बरादरी वाले मेरे खिलाफ, जी ऐसा तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये ऐसी चीजें नहीं चलती हैं, जो ऐसी एडमिट ऐसी सोच ये लोग रखते हैं। जो और मैं आपको यह एडमिनिस्ट्रेशन भी बताता एक हूँ, मिनट मैं आपको यह भी बताता हूँ कि 2 मंजिल फर्स्ट फ्लोर उसका सीमेंटेड है, 2 फ्लोर जो है टोटली जो है देवदार लगा हुआ है उसको, कौन से जी गवर्नमेंट ने उसको देवदार की परमिशन दी है, जी ये भी हम जानना चाहेंगे ना कि कहाँ से उसने दो, और आज की डेट के अंदर भी उसके मकान के अंदर जो है कहीं ना कहीं देवदार के वो बड़े बड़े जो है पूरे काट काट के एक 10-10 फुट के जो पीस अंदर रखे हुए हो, जी और टोटली उसको देवदार लगा हुआ है, मैं इसकी आप भी इंक्वायरी करवाऊंगा एडमिनिस्ट्रेशन से लीगली क्या तौर पर जो मांग भी करना होगी। चाहते हैं, जो एलिगेशन आपके ऊपर आपका कहना है हमारे पर झूठे एलिगेशन लगा के, एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या मांग करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर?
मैं आपको बोलूंगा, मैं लीगली तौर पर उसके बजाते खुद, मैं देखिए एडमिनिस्ट्रेशन से तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि प्रॉपर वेरिफिकेशन करें, इंक्वायरी करें, और अगर उसमें गलत मैं पाया जाऊंगा मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, अगर वो गलत होता जो भी एज पर आर्टिकल जो कानूनी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एलिगेशन लगाने वाले के खिलाफ अगर मैंने कहीं गलती की तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बात खत्म है। वो और तो सही सिंपली बात, ये है कि लीगली तौर पर फिर भी मैंने उसके खिलाफ जाना है, चाहे जो मुझे जो भी मुझे कीमत उठाना पड़ेगी, लीगली तौर पर भी मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई दर्ज करवानी। जी, ये बातचीत हमारे रिपोर्टर अनायत जी के साथ ही, और ग्राम सेवक जी जो कह रहे हैं कि जो भी इसमें गलत पाया जाए उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कार्रवाई करे, सच क्या है वो सबके सामने बतलाया जाए। देखते रहें JKUT7, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।